दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनकी खेल भावना को लेकर सवाल उठा रहे थे। दरअसल आईपीएल के 41वें मैच में अश्विन और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ऑयन मॉर्गन बीच मैदान पर भिड़ गए थे। समस्या उस समय शुरू हुई जब कोलकाता के फील्डर राहुल त्रिपाठी ने थ्रो फेंकी और गेंद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत से टकराकर दूर चली गई। अश्विन ने इसके बाद दूसरा रन चुराने का प्रयास किया। मॉर्गन को लगा कि यह खेल भावना के विरोध में है। टिम साउदी की गेंद पर जब अश्विन आउट हुए तो उन्होंने अश्विन से ये बात कही भी। अश्विन भी बेहद आक्रामक अंदाज में कुछ कहते दिखे और इसके बाद दिनेश कार्तिक ने इस विवाद को खत्म किया। अश्विन ने ट्विटर के जरिए अपने आलोचकों को जवाब दिया। ऑफ स्पिनर ने कहा कि वह अपने लिए और उनके माता पिता और शिक्षकों ने उन्हें जो सिखाया है उसके मूल्यों के लिए खड़ा रहेंगे। मामले पर सफाई देते हुए अश्विन ने कहा कि वो तो सिंगल के लिए दौड़े थे। जब उन्होंने फील्डर को देखा था उन्हें पता भी नहीं था कि गेंद पंत के शरीर से टकराई है।